हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक का इंडिया में जो पहली बार हुआ है 2019 में, वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट वन है, इसमें हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होगा इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलमोस्ट चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएगा। ये करेंट के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ जाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए चालू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जस्टिस सिटी कहाँ पर बन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ पर बन रहा है और उसका क्या नाम है? तो ये बन रहा है आंध्र प्रदेश में और उसका नाम है गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको, भारत का पहला बायोफ्यूल प्लांट जो है, जो सेटअप हो रहा है 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा, वो कौन से राज्य में है? तो वो हो गया उड़ीसा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश है जो बीएसआईडी लागू किया है? बीएसआईडी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए, बीएसआईडी का मतलब हो गया बायोमेट्रिक सी फेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो ये देश है इंडिया। और देखिए, ये क्या बीएसआईडी एक्चुअल में जो मछुआरे होते हैं समुद्र के किनारे, उनको देने के लिए लागू किया गया है ताकि सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो ज़्यादा मजबूत हो सके। नेक्स्ट देखिए, भारत का ऐसा कौन सा एयरलाइन है जो कि उड़ान भरा है 0 डिग्री नॉर्थ पोल से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप हुआ है और लॉन्च हुआ है? तो ये हो गया कोलकाता, इसका करेक्ट आंसर। और अगर राज्य पूछा गया तो वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया का पहला एग्जॉटिक बर्ड पार्क कहाँ पर है बना है? तो ये बना है मुंबई में और उसका नाम क्या है? एसल वर्ल्ड पार्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक जो सेटअप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आप देखिए, क्वेश्चन देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये करेंट के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, अभी तक जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, मगर 370 और 35 से हटने के बाद ये यूनियन टेरिटरीज बन गया है। तो जम्मू कश्मीर जब स्टेट था तो बहुत सारे गवर्नर बने, मगर यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद पहला गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जब हो गया, पहले टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अब टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले टोटल 29 स्टेट थे, अब 28 स्टेट हैं। तो ये भी ध्यान रखना होगा, और लद्दाख सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का कौन सा ऐसा पहला एयरलाइन है जो कि टैक्सी बोट सिस्टम एयरक्राफ्ट यूज किया है? तो टैक्सी बोट सिस्टम यूज किया गया है एयर इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं, पहला कॉरपोरेट ट्रेन, मतलब कि पहला प्राइवेट ट्रेन इंडिया का कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजस एक्सप्रेस। और देखिए, तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलता है ये भी पूछा जा सकता है। तो न्यू दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इंडियन मिलिट्री जो है वो बहुत सारा एक्सरसाइज किया होगा, मगर इंडियन आर्मी जो है, मतलब कि इंडिया का जो मिलिट्री है, वो पहला और सबसे बड़ा माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज जो 2019 में किया है उसका क्या नाम है? हिम विजय, जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ पर सेटअप किया गया है? तो ये सेटअप किया गया है मुंबई में, इसका नाम है महालक्ष्मी। और पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज जो है किसके द्वारा सेटअप किया गया? तो ये इंडियन रेलवे के द्वारा सेटअप किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भारत का पहला फर्स्ट डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर जो है
कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सूरत में, और उसका नाम क्या है? देखिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाता है कि भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया, तो सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गुजरात में है। और ये पूछा जाता है कि उसका नाम क्या है, इंडिया फर्स्ट डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर का क्या नाम है, तो फैशनोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड शिप टू विजिट इंडोनेशिया, तो भारत का पहला ऐसा शिप कौन सा है जो कि इंडोनेशिया गया है, तो विजिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिक क्रूज शिप कौन सा है, तो ये हो गया अंगेरिया, जो कि मुंबई से गोवा तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं के लिए भारत में पहला नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर सेटअप किया गया है, तो ये पंजाब, पंजाब में कहाँ, तो मोहाली में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट स्टेट टू एनेक्ट लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इंडिया का पहला वाटर ग्रिड कहाँ पर सेटअप किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में सेटअप किया। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में अक्सर वाटर का क्राइसिस हो जाता है, उसी को दूर करने के लिए भारत का पहला वाटर ग्रिड सेटअप हो रहा है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर IWTC विल बी सेटअप इन विच स्टेट, तो केरला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट टू बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द इंडियन मिशन अब्रॉड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजलि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस हब कहाँ पर इनोग्रेट किया गया, तो ये किया गया कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रहा है, तो ये बन रहा है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद इन विच सिटी, तो करेक्ट आंसर हो गया न्यू दिल्ली। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन, ये सारा का सारा एक तरह से करेंट क्वेश्चन 2019 का तो इम्पोर्टेंट है ही, मगर ये स्टेटिक क्वेश्चन भी है जो आगे 2020 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 21 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है इसलिए ये हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। खास करके अभी के जितने भी एग्जाम हैं, ये करेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, इस साल हुए हैं, तो ये इस साल जो एग्जाम होंगे 2020 में, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारत की पहला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो वो बनी है हीना जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन ऑन साउथ अमेरिकन क्ले कोर्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित नागल जो बनी है। सुमित नागल जो है वो भारत की पहली ऐसी टेनिस प्लेयर हैं जो कि साउथ अमेरिकन क्ले कोर्ट जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड की मतलब कि पूरे विश्व की कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो टैक्सी बोट सिस्टम लागू किया, तो वो है एयर इंडिया। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपको याद करना है, या फिर एक दो बार वीडियो देख जाइए, सारा का सारा आपको खुद पर खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है आपको जल्द ही मिलेगा, और जो कॉम्बैट एक्सरसाइज हुआ है इंडिया में जनवरी से लेकर दिसंबर तक में 2019 में, वो भी वीडियो हम जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।